ये जिस तरीके से इन लोगों ने दबाव में राजनीति दबाव बना करके जो ये मकान मुंडा गांव में पुराना मकान था उसको उन्होंने तोड़ा है और उसके बाद में वहाँ हाँ उस वहाँ पर बीजेपी के कुछ नेता भी जो है वो पहुँचे बाद में और उन्होंने भी वहाँ जो है जब पैमाइश वगैरह हुई तो उन्होंने भी बीजेपी के कुछ नेताओं ने भी ये पाया कि वास्तव में गलत हुआ है और इसका जो है वो सुधार जो है वो हम निश्चित रूप से करवाएंगे। लेकिन वो बस सिर्फ वहाँ आए और वहाँ इस तरह के जूते जाते दे करके और वो वहाँ से चले गए। आज तक को ऐसा पता नहीं। सबसे बड़ी बात भाई साहब ये है कि इनको इतना भी नहीं लगा कि शेर क्यों के दार से वो लोग जुड़े हुए गांव में जुड़े हुए गरीब आदमी बेचारे उनको रहने की नहीं जगह पुराने की नहीं है और यूं कहा जा रहा है कि और हम लोग इसका पुरजोर विरोध करते हैं बिल्कुल। हम सभी भाइयों के सामने अगर इस तरीके से मकान तोड़ने लग गए फिर तो ये राजनीति करके एक एक करके मकान तोड़ देंगे। जो तोड़ने थे गुड मंडी आज भी बसी हुई उसको तो कोई नहीं भैया तोड़ने के लिए तोड़ रहे हैं कोई समय तोड़ देते हैं बिल्कुल मिला करके पहले भी हाई कोर्ट के आदेशों की आड़ में रंजिशें निकाली गई राजनीतिक रंजिशें ये भी जो है ये भी एक राजनीतिक रंजिश का हिस्सा है ये घटना भी कहीं ना कहीं क्योंकि खुद बीजेपी के नेताओं ने जब वहाँ मौके पर जाकर के देखा तो उन्होंने ये पाया कि भी वास्तव में ये गलत हुआ है लेकिन वो सिर्फ उन्होंने उतना वहाँ पाया ही उसके बाद में उन्होंने किसी तरह का कोई भी उस पर क्रिया प्रतिक्रिया नहीं करी और उसके बाद में